मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इश्यूज में देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेलवेज में सेफ्टी नहीं है, डिफेंस में कम है और बैंक्स में भी ज़्यादा है? आप बोल सकते हैं, मेरा भी वही व्यू है कि रेलवे स्टॉक्स में कम है सेफ्टी अभी, डिफेंस स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, पर बैंक्स में है, कुछ ऑयल कंपनीज में होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में होगा, सेलेक्ट PSU नेम्स में अभी भी कम्फर्ट है। तो आप हमेशा बोलते हैं दैट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस रेयरली कम्स टुगेदर। एब्सोल्युटली। अभी न्यूज़ बहुत अच्छी है, हाँ माहौल अच्छा है, बराबर है, मगर क्या प्राइसेस खराब है? पक्का है निकुंज जी, इसमें क्या है ना, मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल हो गए, 32 साल हो गया मुझे। अब ये मैं ये देखता हूँ कि जब कभी इस टाइप का कंसेंसस हो जाए ना, तो हमको एक साइड में रह के एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि अपने को मार्केट नॉक तो देगा नहीं अपने दरवाजे पे आके कि मैं करेक्ट करने वाला हूँ, पर वो करेक्शन हो सकता है। जी, जी। क्या रीजन से होएगा हमको मालूम नहीं। जी, जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन होगा, पर इतना पैसा बनने के बाद हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर कल हुआ तो एक तो हमको क्या खरीदना है, राइट, और दूसरा हमको इस सब गुड टाइम में, इन सब यूफोरिया में अभी बड़ी गलती नहीं करनी है। तो बड़ा कोई लीवरेज नहीं करना है, बड़े कोई FNO की पोजीशन नहीं बनानी है, हमको बड़ी गलती नहीं करनी है वो फोमो में आके, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी गलतियां अच्छे टाइम्स पे ही होती है। जो राकेश जी कहते थे, बुरे टाइम्स में तो हमेशा आदमी केयरफुल ही रहता है, राकेश जी हमेशा अच्छे टाइम पे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं इस वक्त कॉग्निजेंट हूँ कि मुझे नहीं मालूम अभी आएगा करेक्शन कि 6 महीने बाद आएगा कि 1 साल बाद आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है, अपने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टेड ही है, पर मैं वो पॉसिबिलिटी मेरे बैक ऑफ माइंड में है कि अगर करेक्शन आता है तो स्टिल आई शुड बी इन अ गुड शेप और मेरे पास कुछ कैश होना चाहिए जो मैं अगर करेक्शन आता है तो डिप्लॉय कर सकूं। मतलब अगर इंडिया की लोकप्रियता इतनी अच्छी है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय क्यों बेच रहे हैं? वो उसके डिफरेंट रीजन से, एक तो इमर्जिंग मार्केट का पूरा जो फेड है ना, चाइना में इतना पैसा लोगों का नुकसान हुआ, रशिया में पूरा मार्केट ही खत्म हो गया, राइट, तो जो वहाँ पे ना कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में पैसा नहीं लगाता है, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट में पैसा लगाता है। तो आप अपना पोर्टफोलियो इमेजिन करो कि अगर आपका 100 में 80% पोर्टफोलियो खराब कर रहा है या 70% पोर्टफोलियो खराब कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, राइट? तो वो एक रीज़न है कि फॉरेन इन्वेस्टर, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट पूरा बास्केट अच्छा नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली जिन लोगों ने सपोजिंग, अब मैंने 100 रुपये का वेटेज लेके रखा था, अलग से चाइना का वेटेज 25 वाला 12 हो गया या 10 हो गया, अगर मैंने इंडिया का कुछ भी नहीं बेचा तो ऑब्वियसली मेरा इंडिया का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, जी। और अगर आप कोई चीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं रख सकते हो, उसकी वजह से बिकॉज वो मार्केट नीचे जाते हैं इंडिया के मार्केट में भी सेलिंग आती है। आखिरी 3-4 सवाल जो इस ऑडियंस से आपसे समझना चाहेगी, हम एक ज़माने में हज़ारों इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, लाखों